हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th। क्लास 12th की हमारे पास 5.6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.7। एक्सरसाइज 5.7 में आपके पास क्या है? फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी का अगर हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन 1 to 10। अब देखते हैं कैसे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। लेट वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर का क्या आएगा? 2x प्लस 3। फिर डबल डेरिवेटिव निकालना है तो क्या कर देंगे? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x का क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। और 3 का क्या हो गया? 0। तो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास x की पावर 20। लेट y इज इक्वल टू लेके चले हम x की पावर 20। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 आगे आ जाएगा। x की पावर 1 कम कर देंगे, क्या आ जाएगी? 19। अगेन डिफरेंशिएट डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 20 हमारे पास पहले से है, 19 पावर को एक बार आगे लेके आए तो मल्टीप्लाई में 19 आएगा, और x की पावर 19 में से 1 कम कर देंगे तो क्या आएगी? x की पावर 18। अब 20 की और 19 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? 380। और x की पावर क्या है आपके पास? है 18। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। लेट y इज इक्वल टू x cos x। आपके पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x cos x, तो अब देखते हैं डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या आ जाएगा? dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर दो वेरिएबल दे रखे हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे? u इन टू वी, एक्स को एज इट इज रख लिया, cos x का क्या आ जाएगा? माइनस साइन x प्लस cos x को एज इट इज रख लिया, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? माइनस एक्स साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा? कोस एक्स की और 1 की मल्टीप्लाई कोस एक्स। ये हमारे पास क्या आया? फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा? डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है? माइनस को बाहर ले लेंगे, इसके अंदर फिर से यू इंटू वी अप्लाई कर देंगे, एक्स एज इट इज साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, और एक्स का क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। इस माइनस को अंदर लेके आए, क्या आ जाएगा? माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। अब माइनस को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? एक्स कॉस एक्स 2 टाइम्स है साइन, तो क्या लिख देंगे? प्लस 2 साइन एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? लॉग ऑफ एक्स। लेट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ एक्स का क्या आएगा? 1 बाई एक्स आ जाएगा, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव फिर से करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा? डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा? माइनस 1 बाई एक्स स्केयर। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव करो, क्या आ जाएगा? एक्स की पावर ऊपर माइनस 1 गई, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस 1 आगे, एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, और एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 2 को नीचे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा माइनस 1 के बाई एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक्स क्यूब लॉग एक्स। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, एक्स क्यूब एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स को एज इट इज रख लेंगे, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वेयर। अब यहाँ एक एक्स से एक्स क्यूब कैंसिल कर दिया तो यहाँ क्या बचेगी? एक्स की 2 पावर बचेगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर लॉग एक्स। अब दोनों में हमारे पास एक बार सिंगल डेरिवेटिव हो गया, अब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर का क्या आ जाएगा? 2x,
प्लस थ्री को बाहर लिख लेंगे, इसमें फिर से u इंटू v लगाएंगे, x के एज इट इज़ log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज़ इंटू x स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, 2x प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक पावर से एक कैंसिल हो जाएगी, x बचेगा 3x प्लस 3 टू जहाँ 6x log x, 3x प्लस 2x क्या आ जाएगा 5x प्लस 6x log x, अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 5 प्लस 6 log x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, e की पावर x साइन 5x, लेट y इज इक्वल टू e की पावर x साइन 5x, पहले u इंटू v लगाएंगे dy बाई डी एक्स, ई की पावर x एज इट इज, साइन x का क्या आ जाएगा cos 5x और 5x का क्या आ जाएगा 5 प्लस साइन 5x एज इट इज, और e की x का क्या आ जाएगा वापस e की x, दोनों में से e की x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x आ जाएगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर ई की पावर x एज इट इज़, इसका अंदर वाले का करेंगे 5 एज इट इज, cos 5x का क्या आएगा माइनस साइन 5x और 5 का क्या आ जाएगा 5 प्लस, इसका करेंगे क्या आ जाएगा साइन 5x का cos 5x और 5x का क्या आ जाएगा 5 प्लस, इसको हम एज इट इज रखेंगे पूरे को और e की पावर x का क्या आ जाएगा e की पावर x, अब मल्टीप्लाई करो e की पावर x एज इट इज 5 5 जा 25 और माइनस का साइन 5x है प्लस क्या आ जाएगा 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, अब e की पावर x पूरे में से कॉमन था तो हमारे पास देखो 25 माइनस का 25 साइन x है और साइन 5x है, तो माइनस 25 में से प्लस का 1 घटाएं क्या आएगा माइनस 24 साइन 5x और 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 10 cos 5x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, लेट y इज इक्वल टू है आपके पास पास e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर 6x एज इट इज कॉस 3x का क्या आ जाएगा माइनस साइन 3x और 3x का क्या आ जाएगा 3 प्लस cos 3x एज इट इज, e की पावर 6x का करेंगे e की पावर 6x एज इट इज और 6x का क्या आ जाएगा 6 dy by dx क्या आ जाएगा, इसको सिंपली लिखेंगे माइनस 3 e की पावर 6x sin 3x प्लस 6 e की पावर 6x cos 3x, e की पावर 6x दोनों में से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा माइनस 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा e की 6x एज इट इज u इंटू v लगा देंगे और इसमें लगाएंगे माइनस 3 sin 3x का क्या आ जाएगा cos 3x और 3x का क्या आएगा 3 प्लस 6 एज इट इज cos 3x का माइनस sin 3x और 3x का 3 प्लस, अब इसको तो हम पूरे को एज इट इज रखेंगे और e की 6x क्या आएगा e की 6x एज इट इज और 6x का क्या आ जाएगा 6, अब पूरे में से हमारे पास e की 6x लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3 3 जा 9 माइनस 9 cos 3x और 3 6 जा माइनस 18 sin 3x माइनस 3, अब 6 बार पूरे से मल्टीप्लाई है तो 6 3 जा माइनस 18 sin 3x और 6 6 जा 36 cos 3x, e की 6x एज इट इज, अब इसमें देखो माइनस का 9 cos 3x है और 36 cos 3x है, 36 में से 9 जाएगा 27 cos 3x माइनस 18 माइनस 18 माइनस 36 sin 3x, दोनों में से 27 और 36 में कॉमन क्या आ जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा 9 e की 6 इंटू 9 3 जा 27 होता है 3 cos 3x माइनस 9 4 जा 36 4 sin 3x। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, टेन इनवर्स x है, लेट y इज इक्वल टू क्या हमारे पास टेन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्या आएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्केयर, फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू यू बाई वी की फॉर्म लगा देंगे, v का होल स्केयर v एज इट इज रख लेंगे इनटू u का, u हमारे पास क्या 1 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 1 को एज इट इज रख लिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्या आ जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लॉग ऑफ लॉग एक्स,
आपके पास गिवन है लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो वाई इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ है तो लॉग ऑफ का क्या आएगा, वन बाई लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स, तो क्या लिखेंगे, वन बाई एक्स लॉग एक्स। अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यू बाई वी की फॉर्म लगेगी, यू बाई वी की फॉर्म लगाई हमने, वी का स्केयर एक्स लॉग एक्स का होल स्केयर कर देंगे, इसको पूरे को एज इट इज रख दिया, वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस वन को एज इट इज रख दिया, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसमें फिर से यू इंटू वी लगेगा, एक्स एज इट इज लॉग एक्स का वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज और एक्स का वन, ये पूरा जीरो से मल्टीप्लाई पूरा जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आएगा, वन प्लस ए लॉग एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, साइन ऑफ ए लॉग एक्स, लेट y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन ऑफ लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, डबल डेरिवेटिव करेंगे, किसकी फॉर्म होगी, u बाई वी की फॉर्म, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू यू बाई की वी की फॉर्म लगाएंगे, x का क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर हो जाएगा, और x को एज इट इज रख लिया, इन टू कोस का क्या आ जाएगा, माइनस साइन लॉग x, इन टू लॉग x का क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस बीच में कोस लॉग x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, वन। अब देखो माइनस दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन लॉग एक्स, और माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ वाई इज इक्वल टू फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, प्रूव दैट, हमारे पास ये गिवन है और प्रूव क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, y आपके पास क्या है, 5 cos x माइनस 3 sin x, dy by dx क्या आ जाएगा, 5 as it is cos x का माइनस sin 3x, माइनस 3 as it is और sin x का क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, अगेन डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 5 as it is हो जाएगा, माइनस as it is और sin x का क्या हो गया, cos x, माइनस 3 as it is और cos x का क्या आ जाएगा, माइनस sin x, अब यहाँ क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो क्या बचेगा, 5 cos x और माइनस माइनस प्लस हो गया था, फिर माइनस बाहर गया तो फिर से माइनस हो गया, तो क्या आ जाएगा, 3 sin x, माइनस एज इट इज, और ये पूरी की पूरी हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, y, तो क्या आया, माइनस वाई, माइनस वाई को इधर लेके आए तो प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फाइंड डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, हमें डी वाई बाई डी एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर फाइंड करना है, और किसके टर्म में, सिर्फ y के टर्म में, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस y इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू x आ जाएगा आपके पास, अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कॉस y का क्या आएगा, माइनस साइन y, और y का dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्या हो जाएगा, वन, dy वाई बाई डी एक्स इधर रख लिया, माइनस को इधर ले आए माइनस हो जाएगा, और साइन y को इधर लेके आएंगे डिवाइड में आएगा, और वन बाई साइन किसके इक्वल होता है, cosec के इक्वल, तो क्या आ जाएगा, माइनस cosec y, अब cosec y का डबल डेरिवेटिव कर देंगे तो माइनस बाहर रख लिया, और cosec y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस cosec y इंटू cot y, और y का क्या आ जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cosec y cot y इंटू dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस cosec y, और माइनस एज इट इज रख लिया, cosec cosec टू टाइम्स हो गया, तो क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर y इंटू cot y। नेक्स्ट है 13, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, शो दैट x स्केयर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, अब देखो y हमारे पास क्या दे रखा है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 3 एज इट इज cos का क्या आ जाएगा, माइनस साइन log x, और log x का क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स,
प्लस फोर एज इट इज, साइन का क्या आ जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा वन बाई एक्स, दोनों में हमारे पास एक्स है, एक्स को हमने क्या ले लिया एलसीएम, क्या आएगा ऊपर माइनस थ्री साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स। अब इधर है, इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स। अगेन डेरिवेटिव करेंगे, इसके अंदर फिर क्या लगेगा यू इन टू वी लगा देंगे, एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और एक्स का क्या आ जाएगा वन इज इक्वल टू माइनस थ्री एज इट इज, और साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन बाई एक्स आ जाएगा माइनस। इसी तरह से फिर हम इसका करेंगे फोर, और कॉस का क्या आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन बाई एक्स। अब दोनों में एक्स एलसीएम हो जाएगा, एक्स को इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई में आएगा एक्स इंटू एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स, और ये हमारे पास पूरा का पूरा किसके इक्वल है वाई के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा एक्स स्केयर, अंदर एक्स की मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्केयर डी वाई बाई डी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस वाई को उधर लेके गए प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया। अब जो डबल डेरिवेटिव है उसको हमने किससे नोट कर दिया वाई टू, और सिंगल डेरिवेटिव को वाई वन से, तो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, If y is equal to a e की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, शो दैट, हमें प्रूव करना है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई आपके पास गिवन है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। अब देखो इसका करेंगे ए ई की पावर एम एक्स एज इट इज़, क्योंकि ई की पावर में है तो एज इट इज़ लिखते हैं, और एम एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एम, प्लस इसका करेंगे बी ई की पावर एन एक्स एज इट इज़, और एन एक्स का डेरिवेटिव एन, तो क्या लिख देंगे एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स। फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा एक बार फिर से एम आ जाएगा, एम स्केयर ए ई की एम एक्स प्लस एन स्केयर बी ई की एन एक्स। अब इन सब को इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्या थी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू, किसके प्रूव करना है जीरो के इक्वल। अब डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर क्या था हमारे पास, ये हमने फाइंड किया था एम स्केयर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्केयर बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारे पास एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन, एम एन वाई दे रखा है ना एम एन, और वाई हमारे पास क्या है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ये एज इट इज लिख लिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आ जाएंगे सभी एम 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 स्केयर ए ई की एम एक्स, एम की और एन की क्या आ जाएगी माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, एन की और एम की क्या आ जाएगी माइनस एम एन ए ई की पावर एम एक्स माइनस एन 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 स्केयर बी ई की पावर एन एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एम एन ए ई की पावर एम एक्स और एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब देखो एम स्केयर ए ई की पावर एम एक्स है, इससे ये माइनस है ये कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये हमारे पास माइनस ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास माइनस था और ये हमारे पास है प्लस था, ये कैंसिल आ जाएगा इसके ये कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा जीरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, If y is equal to 500 e की पावर 7x plus 600 e की पावर minus 7x, show that d square y by dx square is equal to 49y. y आपके पास given है, dy by dx निकाल लेंगे 500 as it is, e की पावर 7x as it is, और 7x का क्या आ जाएगा 7, प्लस 600 एज इट इज़ ई की पावर माइनस 7x का एज इट इज़, और माइनस 7x का क्या आएगा माइनस 7। अब दोनों में 7 है तो 7 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 500 ई की पावर 7x प्लस माइनस माइनस 600 ई की पावर माइनस 7x। डबल डेरिवेटिव करेंगे ये मल्टीप्लाई में एज इट इज़ रहेगा, ये 500 ई की पावर 7x का एज इट इज़, और 7x का फिर से डेरिवेटिव 7 आ जाएगा माइनस 600 ई की पावर माइनस 7x एज इट इज़ माइनस 7x का माइनस 7। अब दोनों में फिर से 7 हो गया तो 7 फिर से ले लिया, 7 7 जा
49,500 ई की पावर 7x माइनस माइनस है प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x है। अब 49 और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो इसको क्या लिख दिया वाई 49y। अब ई किसके इक्वल प्रूव करना था, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 49y, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इफ e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, शो दैट y2 इज इक्वल टू y1 का होल स्केयर, कि जो डबल डेरिवेटिव है वो सिंगल डेरिवेटिव के स्केयर के इक्वल है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, e की पावर y एज इट इज रख लिया और x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1, प्लस x प्लस 1 एज इट इज रख लिया, e की पावर y का एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, दोनों में से e की पावर y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस x प्लस 1 dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, e की पावर y को इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस 1 को इधर लेके आए माइनस 1, ये मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड में आएगा x प्लस 1, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, और 1 बाई एक्स है हमारे पास, उसका अगर हम डबल डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है माइनस 1 बाई एक्स स्केयर, तो वही इसके अंदर आया कि ये माइनस, ये तो बाहर ले लिया मैंने, इसका जब हमने डेरिवेटिव किया तो माइनस 1 बाई और जो नीचे था उसका स्केयर हो जाएगा, वही था माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्केयर। दूसरी साइड क्या है y1 का होल स्केयर, y1 क्या dy वाई बाई डी एक्स, उसका होल स्केयर करेंगे माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 था उसका स्केयर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 और इसका क्या लिख देंगे x प्लस 1 का होल स्केयर। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, यही प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, If y is equal to tan inverse x का होल स्केयर, शो दैट x square plus 1 का स्केयर y2 plus 2x x square plus 1 into y1 is equal to 2, y हमारे पास क्या है tan inverse x का होल स्केयर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y का क्या आएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका करेंगे 2 आ गया आ जाएगा tan inverse x और tan inverse x का क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्केयर, ये हमारे पास नीचे डिवाइड में इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई में आएगा 1 प्लस एक्स स्केयर dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan inverse x, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v लगा देंगे, u एज इट इज v का क्या आ जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस dy वाई बाई डी एक्स एज इट इज इसका करेंगे 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्केयर का 2x इज इक्वल टू 2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्केयर। अब हमारे पास इधर क्या है 1 प्लस एक्स स्केयर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्केयर, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आएगा फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में आएगा 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बचेगा सिर्फ हमारे पास, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्केयर 2 टाइम्स हो गया तो स्केयर लिख देंगे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस इसके और इसकी करेंगे 2x 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। डबल डेरिवेटिव को हम किससे नोट करते हैं y2 से प्लस सिंगल डेरिवेटिव को y1 से नोट करते हैं और इज इक्वल टू 2, यही हमें प्रूव करना था, हमारी राइट हैंड साइड थी। ओके थैंक यू, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।